नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ चिकन कलेजी और पोटा की बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद है पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते 1000। आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन कलेजी और 250 ग्राम पोटा। पोटा को अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैंने यहाँ पे पोटा को चॉप नहीं किया है। अगर आप छोटे पीस करना चाहो तो आप कर लीजिएगा। और कलेजी को मैंने एक कलेजी को 3 टुकड़ों में इस तरीके से छोटे पीसेस में काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी मसाला बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 4 चम्मच तेल। तेल को हम पहले गर्म कर लेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाए डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। 4 से 5 लहसुन को चॉप करके डाल देंगे। लहसुन जीरा जैसे फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे टुकड़ों में काट के, और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हम फ्राई करेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। प्याज जैसी फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए और हम भूनेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा भून जाए हम डाल देंगे यहाँ पे पोटा। 5 मिनट हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। 5 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। टमाटर डालने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे और बीच में खोल के आप 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 10 मिनट हो गए और टमाटर देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। सबसे पहले गैस का फ्लेम लो पे रखेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। एक बार अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए। तब तक पोटा भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले अच्छे से भून जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम लो करके ढक देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए, लेकिन बीच में खोल के आप 2 बार चेक भी कर लीजिएगा। 10 मिनट बाद मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पर कलेजी। पहले हम मीडियम फ्लेम में 2 मिनट खोल के भूनेंगे, फिर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन कलेजी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए बिल्कुल हम लास्ट में डालेंगे। तो 2 मिनट हम भून लेते हैं पहले। 2 मिनट मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। एक बार हम मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो पैन को कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें लो पे रखना है और बीच में खोल के आप 2 से 3 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 10 से 12 मिनट हो गए ढक के पकाते हुए और हमारा कलेजी मसाला बनके तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही हम डालेंगे 3 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के। थोड़े से अदरक को पतले स्लाइस में काट लिया है और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस अच्छे से हम मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए और ड्राई कर लेंगे। और ये कलेजी मसाला देख के आपको जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए रोटी के साथ खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बस एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा।
तो 2 मिनट मैंने और ड्राई कर लिया है गैस का फ्लेम। अब हम बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी कलेजी मसाला। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।